अब आओ देखो प्रश्नावली 3.3, ठीक है। पहले तो आपको हम थोड़ा सा पढ़ करके आ रहे हैं कि ये देखिए, दोनों अगर प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो माइनस माइनस तृतीय प्लस माइनस चतुर्थ। तो जो क्लास नाइन्थ में जो 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है, जानते क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन केवल चतुर्थांश को ही पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, और फिर इसको कार्तीय तल में निरूपित भी करना है। कर लेंगे ना? अच्छा देख कर बताओ, बस आपको चतुर्थांश बताना है किस चतुर्थांश में है, और समझना लिखना मत। पहला में एक दिया गया आपका माइनस दू, इधर से लिखते हैं चाहे माइनस दू कमा करके चार है, इसका बताना है। तीन कमा करके माइनस एक है, इसको बताना है। तो बहुत लिखे थे आप, इसके माइनस एक और जीरो, इसको बताना है। फिर आपका एक और दो है, इसको बताना है। फिर आपको माइनस तीन और माइनस पाँच है, इसको बताना है। ठीक है, बताओ कहना चतुर्थांश में ही द्वितीय में है, द्वितीय में चतुर्थांश लिखा है। चतुर्थी चतुर्थांश, हाँ देखो प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो किसमें होगा? चतुर्थी चतुर्थांश, चतुर्थांश द्वितीय भी हो जाएगा, तृतीय भी होगा, का मान लगे हाँ। अच्छा इसको पूछा है ना कि कार्तिक तल में हमें निरूपित भी करना है, एक ही में सब कर देंगे ना सर? हाँ यार काहे नहीं, कार्तिक तल में निरूपित करना ये भी पूछा तो हो जाएगा जी। यार सर बना लो, कर देंगे कार्तिक तल में निरूपित, पहले समझना है तुम लोग को कार्तिक तल में निरूपित। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, अच्छा देख लो मैं पहले एक्स का मान कहाँ तक गया, तीन तक गया है ना, एक दो तीन, और माइनस में कहाँ तक गया है? माइनस तीन, माइनस कम माइनस पाँच तक गया, वाई के मान माइनस पाँच तक गया, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, इसमें तो चार तक। चलो पहले देखो कैसे इसको निरूपित करोगे, कर लोगे निरूपित? अरे यार भाई माइनस दो है चार है, एक्स के मान माइनस दो, वाई के मान चार है, माइनस दो कमा करके चार, तीन माइनस एक वा तो देखा तीन है, तो देखा पहला एक्स के मान होला, तो एक्स दूसरा वाई के मान इसमें आएगा, यहाँ सही हो जी, आई का माइनस एक जीरो, माइनस एक जीरो यहाँ पर दिखा दो, एक दो एक्स के मान एक वाई के मान दो, यहाँ माइनस तीन माइनस पाँच, माइनस तीन माइनस पाँच ये न है, तो यहाँ से ले कर बना लो पहला, आ जाओ दूसरा पर। दूसरा कभी कह रहा है कि अच्छो पटोरी का उपयोग करके नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को कार्तीय तल में आलेखित कीजिए, सुनो पहले ध्यान से, ऐसा बनाया गया आपका, बनाया गया है वन एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ एक सच यहाँ माइनस टू आठ है, सेवन जीरो माइनस एक दशमलव चलो अब का ही समझो, समझ भाई ने क्या दिखा दिया, आए दिन था कि तुम लोग अच्छा देखो अब देखो मैं एक्स का मान कितना है, तीन तक है ना प्लस में, माइनस में तो माइनस दो तक है,
एक दो तीन, एक दो तीन, आई माइनस दो, माइनस एक, माइनस दो, करना है अब आई के मान हो जाएगा तो प्लस में आठ था, प्लस में एक दो तीन चार पाँच छः, माइनस में बा एक दो सात आठ, हाँ माइनस में एक होगा, तो माइनस एक होगा माइनस दो, तो पहले माइनस दो और ये आठ नो, तो एक्स के मान माइनस दो और वाई के मान आठ ही जा एक दो तीन चार पाँच छः सात आगे कितना माइनस दो का वक्त आठ अब है माइनस एक और सात माइनस एक और सात तो माइनस एक यहाँ पर है सात यहाँ पर है तो मिला माइनस एक का वक्त सात जीरो और माइनस एक दशमलव पाँच एक्स का मान जीरो था एक दशमलव पाँच को तो है जा भाई और ही था अरे मधेव कद्दू के बीच में ना हुई सवा दो बा सवा एक और तीन एक्स का मान एक वाई का मान तीन तीन माइनस एक एक्स का मान तीन हो गया समाप्त सेवा समाप्त समझे हो मना लो फटाक दे सब लोग